बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल के अनुसार आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज फिर हम मंगला डैम के किनारे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मंगला डैम में पानी की जो मकदार है, पानी का लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये सामने देखें, ये एक गाड़ है, ठीक है। तो इसमें यह वाकई में पानी आना शुरू हो गया, ये पानी में ये गाड़ डूबना शुरू हो गया। इसके अलावा ये सामने देखें, ये वाला भी घर जो है ना, वो जी डूब गया। और कुछ टाइम पहले जब हम आए थे, हमने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि मंगला डैम के किनारे जो है ना, एक मस्जिद का जो मीनार था, क्योंकि ड्रोन का उस टाइम मसला था, हम वीडियो नहीं बना सके। मस्जिद का मीनार था, ठीक है, पानी में डूबा नहीं था। तो भी ये देखें, ये पानी में मस्जिद का मीनार भी डूब गया। और ये सामने एक दरबार शरीफ भी है, ये भी पानी में डूब गई है, ठीक है। और सामने किश्ती वाला जा रहे हैं, ये देखें। और ये देखें, ये घर जो घर नज़र आ रहे हैं, ये पानी में डूब गया। इन्होंने बताया कि आज से काफ़ी टाइम पहले जो ना पानी में डूबा था, फिर ये पानी में डूब रहा है। और पीछे भी देखें, एक कुछ टाइम पहले जो उधर ऐसी चीज़ें थी, वो जो मस्जिद का मीनार है, इसके साथ इस जगह पे कुछ दरबार थी, एक दरबार थी और कब्रिस्तान था, ठीक है। पूरा कब्रिस्तान जो है ना, वो पानी में डूब गया। और पानी के जो लेवल देखें, पानी काफ़ी ऊपर चला गया। और अभी इंशाल्लाह उधर से कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो उम्मीद करते हैं आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगेंगे। अगर ड्रोन शॉट पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखें, पीछे ये किसी ने डेरा बनाया हुआ है, ठीक है। डेरे के बिल्कुल ये पास ना पानी आ गया, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बिल्कुल ये पानी पास आ चुका है, ये देखें, ठीक है। वो एक गाय जा रही है, बछड़ा जा रहा है, सॉरी वो आगे जा रहा है। ये भी आपको एक मैं डेरा दिखाता हूँ, जो कि पानी में भी डूब रहा है। ताज़ा इसमें पानी आना शुरू हो गया, कुछ टाइम के बाद ये पानी में सारा डूब जाएगा। ये पीछे देखें, ये भाई अंदर लगे हुए हैं, ये कुछ चीज़ें सी निकालने। ये देखें सामने डेरा है, ये डेरे के मनाजर आपको दिखा रहे हैं, सारा ये पानी में डूब गया। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर ये सारा पानी में डूब जाएगा। पीछे किश्ती भी पड़ी हो, कुछ और भी किश्तियाँ वो दूर चली गई। तो ये जो डेरा है, ये पानी में डूब गया। तो अभी आगे चलते हैं और आपको मनाजर दिखाते हैं। देखें ये जी बनने का ये घाट डूब गया, मंगला डैम में ये लोगों के घाट डूबना शुरू हो गए हैं। माश ये सामने देखें, ये भी जी डूब चुकी है पानी में, ये किसी का घर था, ये पानी में डूब चुका है। ये देखें मछली खाने के लिए बगले कैसे बैठे हैं। जाल
अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, फिर थोड़ा रेहान ब्रिज है उसके साथ भी एक जो है ना वो हमें नज़र आ रही है कि एक जैसे कुबूरें की कब्रस्तान है और एक दरबार भी है वो भी पानी में डूब रही है। उधर भी जाके थोड़े से अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ये जिधर बैठे हैं ये साथ ही गन्ने वाला, इसको गन्ने का जूस ऑर्डर किया। चार बंदे हैं दरिया के किनारे बैठकर गन्ने का जूस ट्राई करेंगे। माशाल्लाह कैसा मंदिर है। वो सामने रठोड़ा डैम ब्रिज है वो भी डूबने वाले, और ये यहाँ पे मस्जिद भी एक नज़र आई थी वो भी गायब हो गई। ये जो सामने भी आपको घर दिखा रहे हैं ये देखें, ये सारे पानी में डूब चुके हैं। ये देखें इसका रास्ता ख़त्म हो चुका है। ये सारे दो तीन मकान हैं ये सारे पानी में डूब गए हैं। ये जी मंगला डैम के किनारे दो बच्चे डूब रहे हैं। आज जी हमारा इस जाने का इस्लामगढ़ ये शहर है मीरपुर में जाने का बहुत दिल कर रहा था, पर किस्मत के जो ब्रिज है ये आगे टूटा हुआ है। अफसोस, ये इस वक्त हम मौजूद हैं रठोड़ा रेहान ब्रिज पर, और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत पुल बनाया गया कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ये देखें जिस तरफ नज़ारा करे टूट फूट का शिकार है। सामने वो जो नज़र आ रहा है आपको सामने शहर इस्लामगढ़ बिल्कुल ये नज़दीक पड़ जाता है, पर क्या कि ये आप खस्ता हाल टूटा हुआ है जी। तो ये थोड़ा से आपको शॉट वगैरह बना के दिखाते हैं ये रठोड़ा रेहान ब्रिज के। माशाल्लाह अगर ये बन जाए तो इस्लामगढ़ जाने के लिए 5-10 मिनट लगेंगे, और उधर से जाते हैं तो ऐसे शुरू होते हैं ऐसे और फिर ये इस्लामगढ़ उधर से तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और अभी आपको ना कुछ मज़ेदार शॉट बना के दिखाते हैं और आप वो एंजॉय करें। तो रास्ते में मैं कुछ मनाजर देखे जो हमने बोला कि चले आपके साथ शेयर करते हैं। वो सामने दरबार है ये देख सकते हैं, ये दरबार जो भी पानी में डूब चुके हैं। पहले भी एक दरबार बताई थी आपको कि पानी में डूब चुके हैं,
ये दरबार भी है, ये देखिए इस मस्जिद की भी टूट टूट का शिकार है ये, साथ में ये चीज़ें देखें, पानी रास्ता सब पानी, ये शहरों की तरफ जा रहा है, वो पीछे सड़क है और ये वो सामने दरबार शरीफ है जो पानी में इस वक्त डूब चुकी है। माशाल्लाह जी, आप उम्मीद करते हैं आपको ड्रोन शॉट भी टोड़ा ब्रिज के पसंद आएगी। ये सामने देखिए माशाल्लाह पानी की आवाज़ चल रही है अभी बहुत तेज, तो ये पानी के ऊपर लहरें बन रही हैं, ठीक है, बड़ा रमजान शुरू हो चुकी है। अब आप आगे जाएंगे जुम्मा पढ़ने, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आए, कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह फिर कैसी ऐसी नई और मज़ेदार वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।